हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट ईवीएस से वर्कशीट चैप्टर वेदर, जो कि 2022-23 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, क्लास फर्स्ट के ईवीएस के और भी चैप्टर्स की वर्कशीट मैंने अपने वीडियो में डाले हैं, उसे एक बार आप अवश्य चेक करें। चैप्टर वाइज मैंने वर्कशीट डाली है। साथ ही अगर आपका बच्चा कोई भी ओलंपियाड एग्जाम या किसी भी बोर्ड से हो, उसके लिए वर्कशीट यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। पहला है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन बिलो। बी वियर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इस ऑप्शन को हमको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करना है। We wear dash cloths in winter. Winter में हम किस प्रकार के क्लॉथ्स पहनते हैं? तो woolen cloths। मैं इसके आंसर बताते जा रही हूँ, साथ में इसके आंसर नीचे लिखे गए हैं, तो हर पेज को पॉज करके आप उसे बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। We wear dash cloth in summer. We wear cotton cloths in summer. We use dash in rain. We use raincoats in rain. There are dash season. There are five seasons. Dash season is very pleasant. Spring season is very pleasant. इसके आंसर यहाँ मैंने लिख रखे हैं, वीडियो को पॉज करके आप बच्चों को प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर टू, पुट टेक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेज एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग आंसर। नंबर वन, अ स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो अवे थिंग्स, राइट। टू, ए रेनबो अपीयर्स एट नाइट, रात में हमें रेनबो दिखता है, दिस इज रॉन्ग। वी हैव कोल्ड ड्रिंक्स इन विंटर, रॉन्ग। कोल्ड ड्रिंक्स हम कब पीते हैं? समर। वी यूज वुलन क्लॉथ इन समर, रॉन्ग। वी यूज कॉटन क्लॉथ इन समर। स्प्रिंग सीजन हैज हैवी रेन्स, रॉन्ग। इसके आंसर यहाँ मैंने लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, टिक द करेक्ट वर्ड ड्यूरिंग हॉट एंड कोल्ड डे सन शाइन ब्राइटली। इस दोनों में से क्या सही है? तो ये हो जाता है ड्यूरिंग हॉट डे सन शाइन ब्राइटली। नंबर टू, पीपल वियर वुलन क्लॉथ ऑन कोल्ड डेज। थ्री, पीपल्स ड्रिंक कोल्ड वाटर इन हॉट डे। नंबर फोर, You can see rainbow on rainy days. And number five, people use umbrella on rainy days. इसके आंसर आप पॉज करके करवा सकते हैं। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग, इसके आंसर मैंने साथ साथ लिखे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। What is weather? The condition in air above the earth, such as wind, rain or temperature, especially at a particular time over a पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड वेदर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट हैपेंस ऑन हॉट डे। ऑन हॉट डे सन शाइन ब्राइटली, वी लाइक टू सिट अंडर द फैंस और इन एयर कंडीशनर एंड कूलर टू कीप आवर सेल्फ कूल। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट हैपेंस ऑन कोल्ड डेज। ऑन कोल्ड डेज It snow at some places. We like to sit near fire or under the sun to keep ourselves warm. Number four. What happens on windy days? On windy days, our wind blows very fast, strong. Wind raises lots of dust. What happens in rainy day? On rainy day, it rain heavily. This day, the sky is covered with clouds. And the weather is also moist and wet. Number six. What do you like to drink on a hot day? We like to drink cold drinks on a hot day. In which weather we wear woolen cloths? In cold weather we wear woolen cloths. Number eight. When do we use umbrella? We use umbrella on rainy days. Number 9. How many colors does a rainbow have? A rainbow has 7 colors.
Name the five seasons. The five seasons are summer, rainy, autumn, winter and spring. Match the following. ये कुछ इमेज दी गई है जिससे हमें मैच करना है. तो हॉट डे से हमारा जो है ये हॉट एंड सनी डे. दिस इज हॉट एंड सनी डे. एंड इस लाइन को मैं थोड़ी मोटी कर लेती हूँ. हॉट एंड सनी डे. क्लाउडी डे जिसमें क्लाउड जो है हमारा क्लाउडी दिखते हैं. तो दिस इज क्लाउडी डे. तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा. ठीक है, इसमें हम लाइन की विड्थ मोटी कर देते हैं आपको. नेक्स्ट रेनी डे. रेनी डे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अम्ब्रेला यूज करते हैं. तो इसमें हम अम्ब्रेला यूज करते हैं. तो ये हमारा हो जाता है रेनी डे. तो दिस इज रेनी डे. एंड लास्ट हो जाता है आपका वाइंडी डे. वाइंडी डे में क्या होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और डस्ट बहुत ज्यादा होता है. तो ये हो जाता है वाइंडी डे. तो दिस इज वाइंडी डे. इसको दिस इज वाइंडी डे. चलिए आज के लिए इतना ही. आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया हो. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. इसको एक पेज पर भी हम देख सकते हैं, ये इस तरह आपका आंसर आ जाता है. ठीक है, तो चलिए इस पेज वाइज आप वीडियो को पॉज करके आंसर बच्चों को करवा सकते हैं. हर पेज को आंसर दिया गया है, क्वेश्चंस के साथ ही आंसर मैंने लिख दिए हैं लास्ट में. इसको आप पॉज करके बच्चों को करवा सकते हैं. थैंक यू.